कल जो पूरे दिन जो बकवास, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये साले पैसे खा खा के ये कहाँ से ऐसे न्यूज़ लेके आती है जाहिल लोग, जो मतलब हम स्टूडेंट्स को, हम बच्चों को इतना परेशान ये लोग करके रखते हैं, पता नहीं ये लोग इनको मिलता क्या है ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने में। आप जरूर अपना व्यू कमेंट में बताएं कि ऐसे लोगों के साथ करना क्या चाहिए। एवरीबॉडी, आई एम राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, जैसा कि आपने भी हमारा एक वॉइस क्लिप सुना वीडियो स्टार्ट होने से पहले, उस वॉइस क्लिप में हमने एक पर्टिकुलर मीडिया सेक्शन है जो न्यूज तोड़ मरोड़ के बेचती है, गलत अफवाहों को जन्म देती है, फैलाती, हमने उसके खिलाफ बस थोड़ी सी बस बात बोली है। हमने किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिया। पूरा वीडियो जाके देखें, आप जाइए सीटेट का जो हमारा न्यूज़ जो है वो जाके आप देखें, और 5 मिनट 55 सेकंड उस वीडियो आप जाके पूरा देखें, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मैंने क्या गलत उसमें बोला है। तो मैं जो यहाँ आज आपके सामने अभी यहाँ हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल कोई भी मकसद नहीं था, कोई मंशा नहीं थी, मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, ठीक है। पहले मैंने सोचा था, बट मैं फिर सोचा नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये सज्जन जो है ना, ये सज्जन इतना ज़्यादा इन्होंने अति कर दिया, मैं अति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझ जाए, इन्होंने इतना अति कर दिया है ना कि मुझे ये वीडियो बनाने पर विवश होना पड़ा। तो इन सज्जन के कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं इन सज्जन के जो कमेंट्स हैं मैं वो भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, बस आप बने रहें। तो इनका एक वर्ड, मतलब एक लास्ट में कमेंट है, इन्होंने मेरे को बोला है कि लूटो खाओ तोंद फुलाओ। तो भाई ऐसा है, मैं आप सबसे पूछता हूँ, हमारे दो दो ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे 1500-1600 मेंबर्स हैं ग्रुप में, एक भी ग्रुप मेंबर अगर उंगली उठा दे मैंने एक रुपए भी डिमांड की हो, मैं अपना यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर दूंगा, मैं चैनल बंद कर दूंगा। फिर इन्होंने, इन सज्जन ने मेरे को धमकी दी है कि ये हमारा वीडियो डिलीट करवा देंगे। तो भाई अगर ऐसा है, सच बोलने पे आप वीडियो डिलीट करा दोगे, अगर आप कर सकते हो बेशक आप करो, यू आर फ्री टू डू, आप बेशक करो। मैं बस यहाँ आप लोगों के पास आज सामने आप लोगों के इसलिए आया हूँ, मुझे बस आप लोगों से ये बोलना, आप जाइए जाके कॉमेंट उन सज्जन का जरूर पढ़ें, ठीक है। उन सज्जन का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कमेंट्स दिखाऊंगा, आपको नाम दिख जाएगा उसमें, नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, ठीक है। आप जाके वहां पढ़ें, उनको देखें, और फिर आप खुद डिसाइड करें कि ऐसे सज्जनों के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए क्या किया जाए, क्या इन्हें बोला जाए, और इन्हें इन्हें कैसे टैकल। खैर, बाकी की बातें तो होंगी, सबसे पहले आप आइए मैं आपको उनके कमेंट सुनाता हूँ, उन महापुरुष के, पहले आप कमेंट देखें। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं अपने चैनल पे, और ये हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2020 नई परीक्षा तिथि घोषित, CBSE, ये हमारा वीडियो है, यहाँ आप जाके इसे ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। आइए, ये जो सज्जन है इनका नाम है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इनका नाम, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप यहाँ नाम पढ़ें। आप आइए, इनके कमेंट्स देखिए, 13 रिप्लाइज़ हैं मेरे और इनके मिला के, कुल 13 रिप्लाइज़ हैं, मतलब 13 बार हमारे में बातचीत हुई है। देखिए इनका पहला जो इनका मैसेज था क्या था, ये आप पढ़ें। इनका पहला है, सर हम एडिटर, हम पैसे नहीं खाते हैं, क्यों ना आपके वीडियो पर रोक लगा दी जाए। ये आप पढ़ सकते हैं, क्यों ना आपके वीडियो पर रोक लगा दी जाए, सीधे सीधे ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखें, फिर हमारा क्या कॉमेंट है, मैंने क्या कॉमेंट है, ये पढ़ें आप। ब्रदर, अगर मैं गलत न्यूज़ देता हूँ तो ज़रूर, और अगर आप लगा सकते हो तो यू कैन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और कमेंट किया, एक और इनको रिप्लाई दिया है कि एंड ब्रदर, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो मैंने बस बोला, मैंने तो बस बोला पैसे लेके कुछ लोग फेक न्यूज़ देते हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, ठीक है। तो ब्रदर आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी है, ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं, आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी है। और यहाँ देखें, आपका तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, आप इसमें क्यों कूद रहे हैं, ध्यान दो कहीं लोग कुछ गलत ना समझ लें, बाकी तो आप खुद समझदार ही होंगे, ठीक है। और उसका देखिए, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम देखिए, ये हैं मिस उर्मिला कंचन, इन्होंने भी बीच में आके बस बोला है, भाई आपको प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ लफड़ा तो नहीं है, इन्होंने बस इतना लिखा है। इनको इन्होंने किस गलत वे में रिप्लाई किया ये भी आप देखें। उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम बाद, 4 घंटे बाद मेरे इनके रिप्लाई के, 4 घंटे बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, भाई आप सभी को करप्ट नहीं
कह सकते पहले सबसे पहली बात, ये तो आधी अधूरी बात लिख रहे हैं, ठीक है। इनको तो पता नहीं सेंटेंस पूरा लिखना भी आता है कि नहीं, आई डोंट नो, आधी अधूरी बात लिख रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं भाई आप सबको करप्ट नहीं कह सकते, ये राइट नहीं है आपके पास। ओके भाई, मेरे पास राइट नहीं है, मैं सबको करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस उनको करप्ट बोल रहा हूँ जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इनका क्या है, जरा अकड़ में मत रहा करो, क्या पता आप भी पैसे खाते हो। इन्होंने ऐसा सीधा सीधा मुझे लिखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखिए मिस उर्मिला जी को इन्होंने क्या लिखा है, उर्मिला मैम को इन्होंने क्या लिखा है जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, अपने गुरु से पूछो क्या लफड़ा किया उन्होंने, ठीक है। ये देखो ये क्या तरीका है बात करने का इनका। एंड फिर मैंने इनको जवाब दिया है, आई एम नॉट सेड ऑल आर करप्ट डूड, ओके, आई एम सेड दोज हु आर करप्ट एंड यप, बाय द वे अकड़ तो डूड तभी होती है जब आप जेन्युइन होते हो, ठीक है। और मैं अपनी मेहनत से आज जनरलिस्ट, यहाँ पढ़े स्पेलिंग पढ़ ले पहले भाई आप, जनरलिस्ट हूँ, जनरलिस्ट नॉट जर्नलिस्ट। भाई इनकी तो स्पेलिंग मेरे को पता नहीं है, जर्नलिस्ट कैसे बने हैं भाई साहब, आई डोंट नो। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो भाइयों, ठीक है, आप यहाँ के बाकी और भी कमेंट्स हैं मेरे, इनके जवाब हैं, आप यहाँ के पढ़ सकते हो। इनकी हकीकत छुप नहीं सकती इनके छुपाने से, सच्चाई दब नहीं सकती इनके दबाने से। ये चाहते हैं कि हम डर जाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम तब भी सच बोलेंगे, हम नहीं डरते जमाने से। इनके लिए खैर ये शायरी थी, और बात किसी से नहीं डरते हम, समझे? जो उखाड़ना है उखाड़ लो, सच्चाई हम पहले ही बोलते थे, अब भी बोलेंगे, ठीक है? बाकी राम राम।